गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 25th में ट्यूसडे और एज़ यूज़ुअल आज हम लोग फिर से हाजिर हैं पढ़ने के लिए वर्ड्स ऑफ द डे। जैसा कि शुरुआत हर दिन होती है, चलिए तो जानते हैं आज के वर्ड्स को। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सबको ध्यान में रखना है। गार्गल, गार्गल मीन्स होता है कुल्ला या गलगला करना, है ना। ये जो पानी रख के करते हैं, आजकल तो कहा जाता है कोरोना काल में निश्चित रूप से हम लोगों को गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, यदि हो तो नींबू भी थोड़ा सा डाल कर गलगला करना चाहिए। वैसे भी ये नॉर्मल डे में भी आपको करना चाहिए, गला साफ रहता है। इसके अलावा सेकंड है आपका एफिक्स, लेकिन एफिक्स पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? उपसर्ग, है ना। उपसर्ग क्या होता है? तो जो किसी वर्ड के पहले लगता है, जैसे इम्पॉर्टेंट है उसके पहले हमने अन लगा दिया, अनइम्पॉर्टेंट, यानी आवश्यक है हिंदी में तो उसके पहले अन लगा दिए, अनावश्यक हो गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो पहले लगते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये होते हैं प्रीफिक्स। इसके अलावा हालांकि इंग्लिश में एक बात और होती है, नाम के पहले जोड़े गए मिस्टर, मिसेज, मिस, है ना, डॉक्टर, ETC भी आपको क्या भाई आपका प्रीफिक्स क्या है ना, तो यह भी हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का प्रीफिक्स है तो ये मिस्टर मिसेज। एक चीज़ आपने पता नहीं गौर किया या नहीं किया, इसमें मैं बता दूं आपको कि मिस्टर और मिसेज जो मैंने लिखा है, ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें कोई डॉट मैंने नहीं डाला है कहीं भी। बिहार बोर्ड की हालांकि किताबों में अभी बहुत सारे में, बट CBSE में बिल्कुल नहीं चलता और प्रैक्टिकल लाइफ में कोई CBSE बिहार बोर्ड नहीं होता है, वो सिर्फ बोर्ड के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में CBSE यानी मॉडर्न एज को ही फॉलो किया जाता है, बिहार बोर्ड थोड़ा सा पीछे चल रहा है, आपको मॉडर्न में यही यूज़ करना चाहिए। अगला है सफिक्स। सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय। उसी प्रकार जैसे उपसर्ग किसी वाक्य के, किसी शब्द के पहले लगता है, उसी प्रकार जो है प्रत्यय किसी वर्ड के बाद लगता है ना। जैसे हम यूज़ है तो उसमें फुल लगा दिए, यूज़फुल हो गया, है ना। उपयोग है तो उसमें ता लगा दिए, उपयोगिता, है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड है, नेस है ना, गुडनेस हो गया, गुड में गुडनेस लगा दिए तो प्रत्यय हो गया। अब समझ लीजिए इसको, सेकंड वाले को, एफिक्स को। यानी एफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग या प्रत्यय, यानी प्रीफिक्स और अफिक्स दोनों को मिला करके तब ये एफिक्स कहलाएगा। आज का VBI वर्ड, VBI वर्ड ध्यान में रखेंगे इसको, है ना। VBI वर्ड है, बहुत कम लोग जानते होंगे। ट्रिपल स्टार का मतलब ही यही होता है कि याद, आप इसे ज़रूर याद कर लें। टीचर्स टू टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स, इवन कि सम टीचर्स ऑफ इंग्लिश भी इसको जो है सो नहीं जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यान में रखेंगे। यह है हॉफ स्कॉच। हॉफ स्कॉच क्या होता है? तो कूदने का बच्चों का गेम, यूँ कह लीजिए चिबिड्डी। अब कहेंगे इसमें से कुछ भी नहीं समझा, कूदने के बहुत सारे गेम होते हैं, चिबिड्डी, तो इसलिए मैंने अपने जो लोकल रीजनल भाषा में इसको कित-कित कहते हैं। हालांकि एक बात और बता दूँ, अपना कित-कित सिमिलर है जो उधर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो हॉप स्कॉच होता है, मतलब सिमिलर है बट एकदम सेम नहीं है। हम लोग जैसे मिट्टी में वो कर लेते हैं वैसे नहीं है, बट उन लोगों का भी ऐसे वो स्क्वायर टाइप का वो लाइनिंग खींचते हैं, ज़मीन पर पेंट से बनाते हैं और तब करते हैं, एकदम ऐसा स्क्वायर भी नहीं होता उनका, थोड़ा दूसरे टाइप का। आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। बट अरे जैसे हम लोग ब्रेड है तो रोटी, तो हमारा ब्रेड उनके ब्रेड में डिफरेंस है, वैसे ही वाली बात है। चलिए एज यूजुअल सेकेंड हमारा रहता है, अभी चलेगा 2-3 दिन और। एडजेक्टिव का होमवर्क जो था पिछले दिन, क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स, है ना, कि किस क्लास से वे बिलोंग करते हैं। चलिए तो पहला है हमारा ही इज़ एन इंडियन, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? यदि आपने आंसर बनाया है, जो भी आपका आंसर है ध्यान से, इसमें नो एडजेक्टिव है, ध्यान रखेंगे। कहेंगे सर इंडियन है तो, है ना। अभी मैंने चैनल पे ना ये एक्सरसाइज 11 का डाला हुआ है GT गुरुजी चैनल पे, तो कई सारे कमेंट्स आए हैं, एक दो टीचर्स के भी, और जिद पे जो है मतलब बढ़ जाते हैं कि भाई इंडिया से इंडियन होना, भाई सही बात है। तो हमने तो एक बात बताया ना, ये नाउन है, कैसे पता चला? तो एन लगा हुआ है, एन द तभी लगता है, किसी नाउन के पहले लगता है। हाँ, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले भी लग सकता है, उसके पहले कोई एडवर्ब हो, लेकिन इसके बाद तो सिंगल एक ही वर्ड है, इसलिए सिवाय नाउन के और कुछ है ही नहीं, तो ये तो नाउन है। इंडिया जैसे प्रॉपर नाउन है, इंडियन भी प्रॉपर नाउन है। इस प्रॉपर नाउन से अगले में जो है ही इज़ एन इंडियन फार्मर, ये निश्चित रूप से आपको यहाँ पर इंडियन जो है वो होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। मैंने बताया भी तो हुआ, एक एडजेक्टिव आप क्वालिटी को छोड़कर बाकी सारे एडजेक्टिव्स जो है वो किसी न किसी नाउन के पहले आएंगे, बाकी नौ के नौ। चलिए अगला है माइंड योर ओन बिजनेस, इसमें ओन हो जाएगा। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, आप सबको पता होगा, दिस इज़ द वेरी मैन, है ना। यहाँ पर वेरी जो है बीच में आपको ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम, यही चार तो होते हैं इम्फेसाइजिंग। ये वेरी भी जो है वो आपको इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट आपको मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख लें।
चलिए, आई हैव बीन यूजिंग दिस सेम पेन, फिर वही सेम अभी मैंने बताया, सेम आपको क्या हो जाएगा, यह भी आपको इम्फेसाइजिंग हो जाएगा। अगला व्हाट अ मैन, तो और इसमें एक्सक्लामेशन मार्क है, तो एक्सक्लामेशन मार्क वाले में जो व्हाट आए वो जो होता है आपको एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है, आपने देख लिया होगा, नहीं तो आप पिछले क्लासेस के वीडियोस में जा करके इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा कि व्हाट फॉली, यहाँ पर भी व्हाट जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। आई डोंट लाइक इट्स कलर, यहाँ पर जो है इट्स हो जाएगा, है ना, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। व्हाट इज़ गुड टू मी, गुड जो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। आई हैव फाउंड द बुक विच, यहाँ पर विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समाप्त हुआ, अगले दिन अगले टाइप का रहेगा, बट उसमें भी सारे ही छाटने रहेंगे, वो बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 12 आई थिंक ही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला जैसा कि हमारा चल रहा था वर्ब, तो वर्ब में आज हमको जो है वो पढ़ना है काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, इसको जानते हैं आज क्या है इसमें काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में। इसमें कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑक्सिलरीज, जो भी कहिए हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स या टाइप, यानी इसको दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है नीचे मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जरा ध्यान से देख लेंगे इसको, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ये इसके मतलब कि आपकी सुविधा के लिए काइंड्स को अलग कर देगा। इसमें तीन प्रकार के होते हैं, वर्ब बी, वर्ब हैव और वर्ब डू। हालांकि वर्ब बी को टू बी भी कहा जा सकता है, वर्ब हैव को टू हैव भी कहा जाता है, और वर्ब डू को टू डू भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कहीं ब्रैकेट में वर्ब भरने के लिए रहे और ब्रैकेट में यदि बी लिखा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी वाज बीन केवल लगा देना, आपको इज एम आर लगा सकते हैं, वाज वर लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर वर्ब बी का क्या क्या मतलब होता है, इज एम आर वाज वर, है ना, यही नहीं शैल या विल के साथ बी वाला भी, यानी शैल बी विल बी भी वर्ब बी में आएगा। इसी प्रकार वर्ब हैव का ब्रैकेट में हैव रहे तो केवल हैव नहीं मतलब होता है, इसका मतलब हैव हो सकता है, हैज हो सकता है, हैड हो सकता है, इसके अलावा हैविंग भी हो सकता है। फिर आ जाइए वर्ब डू रहे या टू डू लिखा हुआ, इसका मतलब डू डज डिड, ये तीनों होते हैं। इसके अलावा आज सिर्फ तो ये तो हम लोग प्रयोग के द्वारा सीखेंगे, लेकिन अगला जो काइंड्स है उसमें ये गौर करेंगे कि अगले काइंड्स में जो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, must, ought to, used to, need or dare, ये मॉडल के मॉडल्स के अंतर्गत, मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत इसका अलग से टॉपिक आपने सिलेबस में देखा होगा, इसको मैं अलग से इसके एक एक का यूज़ है ना उसका मैं सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये तो हम सबको इज एम आर का प्रयोग ऐसे ही सीखना है, उसमें अलग उसकी डेफिनेशन के साथ नहीं, बट इन सब में डेफिनेशन के साथ। अब जरा अगला नोट गौर करेंगे, क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए अंडरलाइंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है, जरा सा आ जाइए वापस आते हैं हम लोग, कौन कौन से में अंडरलाइन है, तो ये देख रहे हैं आप इज एम आर वाज वर, इसके अलावा हैव हैज हैड डू डज डिड, ये कुल हो गए 11, और ये टोटल 13, कौन से 13, मॉडल वर्ब्स, ये टोटल 13 है, 13 और 11 यानी 13 + 11 = 24। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ है, क्या, तो ऊपर दिए गए अंडरलाइन प्राइमरी ऑक्सिलरी जो कि 11 है तथा सभी 13 मॉडल ऑक्सिलरीज को मिला करके एनोमलस, है ना, एनोमलस वर्ब कहा जाता है। एक बात जो यहाँ नहीं लिखा हुआ आगे है, अर्थात अनियमित या विषम क्रियाएं कहलाते हैं, हाँ इन्हीं का एक नाम है, इन्हें ही 24 एनोमलस वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको यही वर्ब को एनोमलस, अब ये सारा वर्ब पढ़ लिए, कोई आपसे पूछे कम्पिटिटिव में रहता है फाइंड द एनोमलस वर्ब, अब क्या होता है उसका बच्चे जवाब नहीं दे पाते, यार ये कौन सा वर्ब है, हमने तो सुना ही नहीं, हमने प्रिंसिपल सुना, हेल्पिंग सुना, ऑक्सिलरी सुना, ये कौन सा वर्ब, कुछ नहीं, यही है वो 11 जो उधरते और 13 मॉडल, इनको मिला के एनोमलस वर्ब कहलाता है। अच्छा क्यों कहलाते हैं, तो इनका पास्ट फॉर्म प्राप्त करने के लिए ईडी या डी या ईएन या टी नहीं लगता है, एक बात। अगला पॉइंट है इसमें कि आपको इनका आउट टू तथा यूज टू को छोड़ करके बाकी सभी के साथ वर्ब का मूल रूप बिना टू के लगता है। अच्छा मॉडल्स में यूज नीड तथा डियर को मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज कहा जाता है, यहाँ पर स्टार लगा दिया, एक्चुअली क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि बाकी जो 10 हैं उनका यूज केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, बट ये जो 3 हैं इनका यूज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी होता है, तो इसीलिए इनको अलग रखा गया मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज के नाम से। तो जनरल क्लास की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आज हर दिन किसी न किसी क्लास की होती है, 3 क्लास की पढ़ाई अभी चल रही है हमारे यहाँ, बिहार बोर्ड 11, बिहार बोर्ड 12 और CBSE 12। तो आज हमारे लिए CBSE 12 का एक चैप्टर है, वैसे तो आज इसका वीडियो जो है ऊपर आई बटन में है, इसके अलावा जो है वो मैं आपको इसका लिंक अलग से भेज दूँगा, है ना, ये डीप वाटर है, तो इसमें जो है सॉरी डीप वाटर नहीं है, कौन सा चैप्टर है आप समझ गए होंगे, है ना, कमिंग
सोफी वाला है, तो इसको आप जो है देख लेंगे। इसमें मैंने इसलिए यहाँ पर एक पेज दे देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, मुझे भी रहे कि आज किनको जो है। वैसे ये इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसके बारे में चर्चा ये करनी है कि इसमें एक लड़की होती है, दो लड़कियाँ होती है, जिसका मतलब एक नाम तो है ये सोफी। सोफी आप देख ही रहे हैं, ये जो है ना वो जनरल दुनिया से हट के बातें करती हैं। मतलब कहने का मतलब ये ख्वाबों में खोई रहती हैं हमेशा, है ना। तो ख्वाबों में खोई रहती है, ख्वाबों में खोने से नहीं चलता, इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। निश्चित रूप से हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। और कहने का मतलब है कि अब ये सोचती है कि मैं एकदम से शहर में सबसे अच्छा ये बुटीक खोलूँगी, ये खोलूँगी, वो खोलूँगी, लेकिन उसकी सहेली समझाती है ऐसा करते करते क्या होता है, एक दिन ये ऐसे ख्वाब को सच होता है कि आप भी जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हाँ यार सचमुच में। डैनी केजी एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर होता है, तो लव उसके साथ ये मैच देखती है, डेटिंग पे जाती है, सारी बातें इस चैप्टर में है। हालांकि सचमुच में पूछिएगा अंत में आपको क्लियर नहीं पता चल पाता है कि ये क्या है, लेकिन मैंने उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें लास्ट में बता दिया है कि रियलिटी क्या है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और क्लास के लिए। आई थिंक यू आर सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।